इंदौर क्राइम ब्रांच में आज फिर बड़ी कार्यवाही करते हुए तीन इनामी भू माफियाओं को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जो लंबे समय से फरार चल रहे थे, जिन पर 50,000 से अधिक का इनाम पुलिस ने घोषित कर रखा था। गौरतलब है कि पुलिस द्वारा चलाए गए एंटी माफिया अभियान में अब तक कई भू माफियाओं को सलाखों के पीछे पुलिस पहुंचा चुकी है। वहीं कई आरोपी अब भी फरार है। इंदौर क्राइम ब्रांच को मुखबिर सूचना के आधार पर तीन अलग अलग स्थानों पर छापामार कार्यवाही करते हुए साजिद चंदनवाला, संदीप रमानी, सतवीर छाबड़ा को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों पर पुलिस ने 50,000 से अधिक का इनाम घोषित कर रखा था। इन आरोपियों पर अलग अलग थाना क्षेत्रों में आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। वहीं इनमें से दो आरोपी संदीप रमानी और सतवीर छाबड़ा, बावी छाबड़ा जो भू माफिया है, इसके साथ मिलकर कई प्लाटों की हेराफेरी कर आम लोगों के साथ ठगी कर चुका है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए क्राइम ब्रांच लंबे समय से इनकी तलाश कर रही थी, जिन्हें सूचना के आधार पर उनके रिश्तेदारों के यहाँ से गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस इन तीनों भू माफियाओं से पूछताछ कर रही है, जिसमें भू संबंधी कई मामले और उजागर हो सकते हैं। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ मंथन सेन की रिपोर्ट। क्राइम ब्रांच की पिछले दिनों की सफलताओं में आज इसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है और आज तीन आरोपी जो लंबे समय से फरार थे, लगभग 6 महीने से अधिक समय से फरार थे, वो तीन आरोपी क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। और इनके नाम है साजिद चंदनवाला, संदीप रमानी और सतवीर छाबड़ा। ये तीनों ही, इन पर कई अपराध दर्ज हैं। संदीप रमानी पर रावजी बाज़ार, खजराना, कनाड़िया, भवरकुआ में, और साजिद चंदनवाला पर कोतवाली में कई अपराध दर्ज हैं, और सतवीर छाबड़ा पर भी रावजी और बाज़ार और कनाड़िया में कई अपराध दर्ज हैं। और ये सभी लंबे समय से फरार थे, कई अन्य जगह पर जाकर फरारी काटी और क्राइम ब्रांच के अथक प्रयासों से फाइनली इनको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जो संदीप रमानी और सतबीर छावड़ा से भी पूछताछ प्रिलिमिनरी जो की गई है, उसमें इंदौर से बाहर, मध्य प्रदेश से बाहर, अमृतसर और अन्य जगहों पर इन्होंने फरारी काटी है। और साजिद चंदनवाला भी रिश्तेदारों के यहाँ अलग अलग जगह पर रहे हैं और इनको गिरफ्तार भी जब किया गया है तो एक रिश्तेदार के यहाँ पाए गए हैं, और अभी और इनसे पूछताछ की जा रही है। जहाँ पर भी जिसने भी इनको इन पीरियड में सहयोग किया है उनको भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें संदीप रमानी और सतवीर छाबड़ा दोनों पर 20,000 का इनाम था और साजिद चंदनवाला पर 10,000 का इनाम था। कुल 50,000 का इनाम इन पर घोषित था। इन पे जैसे साजिद चंदनवाला जो है वो तो उस पर लगभग 40 से ज़्यादा अपराध पूर्व में दर्ज हैं। अभी एक अपराध में ये फरार था। और संदीप रमानी और सतवीर छाबड़ा पर भी, संदीप रमानी पर रावजी बाज़ार, खजराना, कनाड़िया, भवरकुआ इन सब जगह पर अपराध दर्ज है, और सतवीर छाबड़ा पर रावजी बाज़ार और कनाड़िया में अपराध दर्ज है। और ये दोनों जो हैं वो बॉबी छाबड़ा के साथ भी कई अपराधों में साथ में लिप्त थे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।